जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कोई हस्बैंड अपने लीगली वेडेड वाइफ से संबंधित कोई बैंक डिटेल या इनकम टैक्स रिटर्न जानने का हक रखता है या नहीं। अकॉर्डिंग टू CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास किया है और ये बताया है कि हस्बैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक डिटेल्स एंड इनकम डिटेल्स ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इवन ऑफ हिज ओन लीगली वेडेड वाइफ। क्यों? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत अगर हस्बैंड जानना चाह रहा है तो वो उसका हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है वो पर्सनल इन नेचर होता है। भले इंडिविजुअल फाइल कर रहा हो तो वो फाइलिंग जो है इट इज नॉट अ पब्लिक एक्टिविटी। कोई भी सिटीजन जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो इट इज एन ऑब्लिगेशन बीइंग अ बोनाफाइड सिटीजन टुवर्ड्स हिज स्टेट और हर स्टेट, और डायरेक्ट के अंतर्गत वो फाइल करता है। जो भी इंफॉर्मेशन उस पर दी जाती है उस पर सब सरकार का होता है, किसी अन्य व्यक्ति का जानने का हक उस पर नहीं होता है। और इसे RTI के अंतर्गत डिस्क्लोज तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कोई लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट लोक हित का समस्या ना आई हो, तब तक ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी अंडर द RTI एक्ट 2005। इस मामले में फैक्ट ये था कि हस्बैंड ने सेक्शन 11 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत उसने एक एप्लीकेशन मूव किया और ये जानने का प्रयास किया कि जो उसकी वाइफ ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जिस बैंक का नाम, ब्रांच और एड्रेस 2012 से लेकर 2018 तक लिखा हुआ है उसकी डिटेल उसे दी जाए, क्योंकि ही इज़ द लीगली वेडेड हस्बैंड एप्लीकेंट और जो जानना चाह रहा है वो अपने लीगली वेडेड वाइफ से जानना चाह रहा है। इसलिए उसे ये बताया जाए कि किस बैंक का ब्रांच और एड्रेस इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल की गई है उसका डिटेल उसे दी जाए। और इसी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत CIC ने यह हेल्ड किया कि नहीं, क्योंकि फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट अ पब्लिक एक्टिविटी, ये एक पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न होता है भले ही इंडिविजुअल फाइल किया हुआ हो। इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का पावर सिर्फ सरकार के पास है, वो भी ओनली ऑन द कंडीशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित का जहां मामला होता है वहीं पर इसे दी जाती है। और कोई पर्सनल नेचर का कोई मैटर है तो वहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है। साथ ही CIC ने यह भी बात कही कि सेक्शन 81G ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत ये बात पर्सनल नेचर का है और इसीलिए ये एग्जम्पशन मिला हुआ है वाइफ को और उसके डिटेल्स को कि वो किसी भी अन्य व्यक्ति को डिस्क्लोज न की जाए। इसी बात को एपेक्स कोर्ट ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2013 सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया हुआ है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो हेल्ड किया है कि सेक्शन 11 के अंतर्गत अगर कोई एप्लीकेंट ने किसी बात की इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए है और वो पर्सनल नेचर का है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसे एप्लीकेंट को डिस्क्लोज करने के लिए वो बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन 81G ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का एग्जम्पशन का डिफेंस लेकर के वो कह सकते हैं कि सेक्शन 11 को वो इन्वोक यानी एक्शन में लाने को बाध्य नहीं है, खासकर तब जब इंफॉर्मेशन जानने वाला कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और न ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए कोई ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट जैसी कोई समस्या आ गई हो। तो जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसी बात नहीं आती है तब तक ऐसा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंक डिटेल्स हो या इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल हो वो पर्सनल नेचर का होता है, उसे किसी भी अन्य थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करने के लिए CIC बाउंड नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये हेल्ड किया गया है कि भले ही हस्बैंड ही क्यों ना हो वो अपने लीगली वेडेड वाइफ के लिए
not entitled to seek information regarding bank details or income tax return of his wife. ठीक है फ्रेंड, that's it. Thanks for watching this video. अगले वीडियो पे हम नए केस लॉ के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.